बेस्ट न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन और आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। आइए देखते हैं आज के दिन की शुरुआत की खास खबरें, जिसमें हमारा उद्देश्य होता है सच्ची घटनाओं से आपको रूबरू कराना, जिससे आपका दिन बन जाए। आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरें। भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबियों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने रेड की है। मुंबई में कुल 20 ठिकानों पर एक्शन की खबर है। इसके दायरे में दाऊद का गुर्गा छोटा शकील, जावेद चिकना, टाइगर मैनन, इकबाल मिर्ची, दाऊद की बहन हसीना पार्कर से जुड़े लोग हैं और उसके रिश्तेदार भी शामिल है। दाऊद गैंग के नजदीकी सलीम फ्रूट को पकड़ लिया है। टीम ने सलामी के ठिकानों पर भी छापा मारा है, उसे पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। NIA ने किसी बड़े नेता पर हमले का शक बताया है। भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबियों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने रेड की है। मुंबई में कुल 20 ठिकानों पर एक्शन की खबर है। इसके दायरे में दाऊद का गुर्गा छोटा शकील, जावेद चिकना, टाइगर मेनन, इकबाल मिर्ची, दाऊद की बहन हसीना पार्कर से जुड़े लोग और उसके रिश्तेदार शामिल है। दाऊद गैंग के नजदीकी सलीम फ्रूट को पकड़ लिया है। टीम ने सलीम के ठिकानों पर भी छापा मारा और उसे पूछताछ के लिए ले जा रही है। NIA को किसी बड़े नेता पर हमले का शक है। यह कार्रवाई सीक्रेट रखी गई थी, इसलिए शुरुआत में छापे से जुड़े फोटो वीडियो नहीं मिल सके थे। NIA ने बोरीवली, सांता क्रूज, बांद्रा, नागपारा, भिंडी बाजार, गोरेगांव, परेल, मुबड़ा और कोल्हापुर के 20 ठिकानों पर छापे मारे हैं। इस दौरान मुंबई में कुछ तस्करों, हवाला ऑपरेटर्स, रियल एस्टेट कारोबारियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। अवैध वसूली से बड़ी रकम उगाहने और उसके इस्तेमाल देश विरोधी कामों में करने के मामले में यह कार्रवाई की जा रही है। फरवरी में डी कंपनी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। फरवरी में गृह मंत्रालय के आदेश पर NIA ने दाऊद इब्राहिम डी कंपनी के खिलाफ अवैध वसूली का केस दर्ज किया था। उस मामले में ही यह छापेमारी चल रही है। आरोप है कि ये लोग एक्सट्रॉशन मनी का इस्तेमाल देश विरोधी कामों में करते हैं। NIA ने इस मामले में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत केस दर्ज किया है। इन सबका कनेक्शन 1993 मुंबई ब्लास्ट के आरोपी और भगोड़े आतंकी दाऊद इब्राहिम से बताया जा रहा है। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हम आपको बताएंगे देश दुनिया की तमाम खबरें। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।